31 साल में मुझे उन्होंने एक बार भी कोई बस का टिकट भी नहीं दिया। के अंदर कांग्रेस राज में 9 महीने की जो है ना, मतलब मुझे मेरी जेल भी हुई और झूठा मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र मेरे ऊपर किया गया, जो कि 13 साल तक मुकदमा चला। षड्यंत्र था इसका, उसका कहने का नहीं, कांग्रेस ही थी। करनाल में इस समय हम मौजूद हैं और हमारी आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व CPS जिलेराम शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपका चैनल जो है ना, बिल्कुल ईमानदारी से और जो है टेक्निकल खबरें देता है। मैं बड़ा प्रभावित हूँ आपके चैनल से और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। जिलेराम जी, बड़ी जिम्मेवारी है, पहले तो बात करेंगे कांग्रेस से BJP में आए, कैसा लग रहा है? बिल्कुल ठीक लग रहा है, कांग्रेस से जो है ना BJP में आए हैं। BJP एक जो है कैडर की पार्टी है और इसमें जो है, मतलब अभी तो नया नया जो है हम आए हैं और 2-4 मीटिंग हुई है और अच्छा जो है लोगों में बड़ा उत्साह है, फील गुड हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे साथियों में भी बड़ा हौसला है, क्योंकि हमने जो है पार्टी ज्वाइन की, ये इससे हम अपना नरेंद्र मोदी जी के जो देश के जो है ना विदेशों में जो मान सम्मान बढ़ाया और जो है जैसे 370 धारा का और जो है राम मंदिर का, जिसकी देश की एकता को अखंडता को जो खतरा था, वो राम मंदिर का निपटारा करवाया, उनसे प्रभावित हो करके और आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर की ईमानदारी और उनकी जो है ईमानदारी और उनके विश्वास पर जो है हमने पार्टी ज्वाइन की है। ये तो थी उनकी अच्छी बातें, कांग्रेस में क्या बुरी बातें थी? कांग्रेस में जो है ना, कोई मैं 31 साल रहा कांग्रेस में और 31 साल में मुझे उन्होंने एक बार भी कोई बस का टिकट भी नहीं दिया, जबकि मेरी मेरिट बनती थी। मैंने दूसरी पार्टी से विधायक बन के कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी में सरकार भी चलाई और अपनी सदस्यता भी जो है हमें उसमें भी मामला रद्द हुआ और उसी टर्म के अंदर कांग्रेस राज में 9 महीने की जो है ना, मतलब मुझे मेरी जेल भी हुई और झूठा मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र मेरे ऊपर किया गया, जो कि 13 साल तक मुकदमा चला, तो उसमें जो है मेरे को न्याय नहीं मिला। कौन था इस षड्यंत्र के पीछे, किसे मानते राजनीतिक दुश्मन? ये तो जो है ना, मैं ये कहूँगा कि हम जो है परमात्मा को मानने वाले हैं, भगवान को, कोई पूर्व जन्म का या कोई आगे जो है, मतलब कोई ऐसा षड्यंत्र था इसका, उसका कहने का नहीं, कांग्रेस ही थे उसमें। मतलब कह सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपसे बनी नहीं? नहीं नहीं, मेरे भूपेंद्र हुड्डा से जो है ना, उन्होंने मेरे जो है इस मामले में इमदाद नहीं की, लेकिन जो है उनने जो काम हमने उनको कहा वो काम हमारे इलाके में करवाया मेरे कहने से। मतलब ठीक ठाक था उनके साथ तो? और नेताओं के साथ ठीक ठाक है तो जब तो इतना लंबा रहे हैं, अब जो है जब ठीक नहीं रहा तो हम जो है BJP जो है ज्वाइन की है और खट्टर साहब से हम प्रभावित हुए हैं, उनकी ईमानदारी पे, उनकी सच्चाई पे, उनके विश्वास पे। आज बड़ी जिम्मेवारी है आपके पास, मुख्यमंत्री का चुनाव भी आपके क्षेत्र में है और सांसद का चुनाव भी, जिनसे आप प्रभावित हुए मनोहर लाल खट्टर वो सांसद का चुनाव लड़ेंगे और नायब सैनी वो मुख्यमंत्री। हाँ, नायब सैनी जी और जो है ना का चुनाव करनाल विधानसभा क्षेत्र से, मेरा जो है गांव पड़ता है असंध विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा करनाल लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से जो है आदरणीय मनोहर लाल जी, उन्होंने देखो समान रूप से विकास करवा सारे हरियाणा का, वो बाहरी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे और देश के जो है ना, मतलब सारे BJP की सरकार बनेगी देश में और उसमें उच्च पद पर जाएंगे और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी भी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे और वो जो है ना, सैनी भी बहुत एक शरीफ और सज्जन व्यक्तित्व है और यहाँ से करनाल सिटी CM सिटी है वो बरकरार रहेगा, लोगों में इस चीज़ का उत्साह है। तो ये बड़ी बात है, लोकसभा में जिस तरह का माहौल है और असंध की जो बात करते हैं, लोकसभा में आता है असंध आपका और असंध आपका विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ आज भी कांग्रेस का विधायक है, कैसे पार पाएंगे? ऐसा है, कांग्रेस का विधायक का जो है ना, मतलब कोई खास वहाँ जनाधार नहीं है, कांग्रेस का विधायक ने जो है ना, ना कोई काम किए, ना कोई वहाँ पे जनता में उनका कोई प्रभाव है और वहाँ पर जो है ना असंध क्षेत्र से खट्टर साहब भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। विधानसभा में तो बड़ा रगड़ा लगाते सरकार के ऊपर, भ्रष्टाचार हो, काम नहीं करते, खर्ची पर्ची, बहुत सारी चीज़ें। बस ये तो जो है ना, अंदर किसी के झांक के देखो ना, अंदर कुछ और है और जुबान पे कुछ और है, तो वहाँ से जो है ना विधानसभा में तो जो या तो जो है जैसे BJP ने जो मतलब खर्ची पर्ची की नौकरी है, वो तो सारा हरियाणा मानता है कि खर्ची पर्ची बंद है BJP सरकार में, और हमने भी अपने हल्के में 2009 से 2014 में
जो भी चुनाव जो भी मतलब नौकरियां मिली बिना पर्ची खर्ची के मेरिट के हिसाब से दिए संत विधानसभा क्षेत्र में। आपको लगता है कि ये नौकरियों का प्रभाव रहेगा चुनाव में? बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। जिसने जो है ना कभी जिंदगी में ये भी नहीं सोचा था कि मैं कहीं बगैर पैसे चपरासी लग जाऊंगा, आज वो बहुत बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं, HCS लगे हुए हैं, इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, डॉक्टर, SDO, जो अच्छी पोस्टों पे मतलब लोग हैं, इस बात का पूरा जो है हरियाणा प्रदेश में पूरा प्रभाव है। विपक्ष में और लोगों में भी कुछ इस तरह का माहौल है ना, तो हमारे खाते में 15 लाख आए ना, रोजगार मिला, उज्ज्वला योजना भी 400 का सिलेंडर था 1100 का हो गया। आप कहते हो राम मंदिर और 370 और ये चीज़ें प्रभावी रहेंगी? हाँ बिल्कुल प्रभावी रहेंगी। इनके ऊपर भी जो है पहले देश में बड़ी कुर्बानियाँ जो है गई हैं हमारे पूर्वजों की, और उसके अलावा जो है ना मतलब देश का ये भी एक मुद्दा था, देश में कभी भी एकता और अखंडता को खतरा हो सकता था इस बाहरी झगड़े से, जबकि जो है ना ये झगड़ा बड़े ये जो है सिस्टम से बड़े न्यायप्रिय ढंग से जो है ना कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है निपटवाया है मोदी जी ने, इसका प्रभाव है दुनिया में। जिलेराम जी, आपको लगता है कि ब्राह्मणों का सम्मान है BJP में? हाँ बिल्कुल, ब्राह्मणों का कोई कभी अपमान की बात ही नहीं हुई, पूरा सम्मान है ब्राह्मणों का। और दोबारा से जो है ना यहाँ हर मंदिरों में जो महाभारत काल के थे वो मंदिर और जो है जितने प्राचीन मंदिर है सबका उनका उद्धार हुआ है, सारा अच्छी तरह से सिस्टम बना है और ब्राह्मणों का पूरा मान सम्मान है। आखिरी बात है, किस तरह से मेहनत करेंगे मनोहर लाल खट्टर को जिताने के लिए? हम जो है ना मतलब एक तो पार्टी का जो आदेश होगा उसके हिसाब से चलेंगे, और दूसरे हमारे जो साथी हैं उनको सबको हमने बोल दिया है, वो जो है ना डोर टू डोर जा करके मनोहर लाल जी खट्टर के लिए वोट मांगेंगे और जो है उनको दिन रात लग के जो है हम जिताएंगे।